प्रसाद सुमुखम सो so, सुमुखम कहा है? मतलब है सुव चेहरा सुमुखम मुखकम मुखम मीन्स चेहरा सुखम मीन्स शुभ चेहरा सुदर्शन जैसे बताया दर्शन मीन्स विजन देखना सुदर्शन मींस ऑस्पीसियस विजन कीर्तसन प्रसादा प्रसाद का मतलब होता है कृपा और कीर्तसन मींस पूरी सो भगवान का जो चेहरा है बहुत शुभ है और पूरी कृपा बरसाते हैं भगवान अपने चेहरे से एंड इस प्रणीय धामा धाम का मतलब होता है धाम जगह और इस प्रणीय मीस डिजायरेबल जो आ, जो क्वालिटीज गुण इसलिए बोलते हैं ना समस्त गुण धामा तो भगवान में जो भी गुण है ज अबॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांसिडेंटल वंडरफुल क्वालिटी सो इस प्रणीय धाम किसाद सुमुखम देन स्नेह अवलोक कले या अवलोक मींस अवलोकन करना देखना इस स्नेह मीन्स प्रेम से जैसे ही भगवान प्रेम से देखते हैं इसनेह अवलोक कलया हृदय समस्पृशंतम तो वो हृदय को स्पर्श कर कर जाता है सो भगवान का जो शुभ विजन है ग्लान से और प्रेम भरा जो ग्लान से भगवान का वो भक्तों का हृदय को छू जाता है भक्त लोग एक ही इच्छा रखते हैं कि कैसे ही हमें भगवान का सेवा और भगवान के दर्शन होते रहे एंड यहां पे भगवान का डिस्क्रिप्शन क्यों भगवान कैसे हैं? श्यामे तो इनका डार्क कॉम्प्लेक्शन देन पृथाव उषि पर्थाव, पर्थाव चेस्ट तो भगवान का जो चेस्ट है वह बहुत ब्रॉड है और उस चेस्ट में क्या होता है शोभितया शोभ मीस शोभित है भगवान का चेस्ट कैसे शोभित है श्रिया लक्ष्मी जी यहां पे विराजमान है देन चूड़ा चूड़ाम मणि मिन्स टॉप मोस्ट समिट प्रभुपाल जी चूड़ा चूड़ा मींस होता टॉप हेड, मणि मिन्स टॉप मणि मणिमीस ज्वेल स्वस भू वह स्वा स्वामीस स्वर्गलोक तो स्वर्गलोक की भी जो ऊपर है चूड़ामणि वो शुभ यम एवात्म दस तो भगवान का जो धाम है वो इससे सबसे ऊपर धाम है टॉप मोस्ट चूड़ा ऑल लिखें इवन ब्रह्मलोक के भी ऊपर है देवी महेश हरि धाम तेषु ब्रह्मा जी बताते हैं सो देवी धाम है फिर महेश धाम है फिर बाद में हरि धाम है यहां पे इसमें वैकुंठ धाम बताया गया है तो भगवान की जो कृपा है वो सभी पर है हम देखेंगे यहाँ पे आ, जैसे भगवान को आ, पता लगा कि उनके कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स डोर कीपर्स और उनके कोई भक्त कुमारास के बीच में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया तो भगवान तुरंत अपना जो घर में भगवान का जो घर था पैलेस था उसको छोड़ के भगवान किसके साथ आए लक्ष्मी जी लक्ष्मी जी भी थी और कौन थे फ्यूमर एसोसिएट थे कोई क्या कर रहा था हमने लास्ट को बोला कोई भगवान को अम्ब्रेला लिए हुए था हम लोग ना जब पालकी निकालते अम्ब्रेला होते और कोई भगवान को छामर कर रहा था ब्यूटीफुल्लोक so में हमने देखा तो भगवान के साथ वो भी भगवान के जो एसोसिएट थे और लक्ष्मी जी वहां पे आ गए और जब भगवान वहां पे आए तो ऐसा नहीं भगवान गुस्से में आए और आपने डोर कीपर को डांटा हो अरे कैसे रोक दिया तुमने उनको और ऐसा नहीं था कि जो कुमार वो भी उनके भक्त थे अरे तुमने कैसे श्राप दे दिया है जो तो उनको रोकना उनका फर्ज बनता है सो ही नेवर द लॉर्ड न्यू दैट इवन द ऑफेंस इज डोर मैन वर हिज प्योर डिवोटीज ऑल द बाई चांस दे कम इन ऑफेंस एट द फीट ऑफ अदर So, भगवान किसी भी भक्त का अपराध लेते नहीं है फर्दर प्रभुपाल जी परपट में बताए किंतु भगवान का जो प्रेजेंस है दैट इट सेल्फ इज ग्लोरियस ऑस्पीसियस इसीलिए कलयुग में जो भगवान का जो नाम है काली नाम रूपे कृष्ण अवतारा सो कलयुग में भगवान नाम के रूप में अवतरित हुए तो जहां पे भी भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं तो जहां वहां भगवान का जहां अस्तित्व थे वहां पे ऑल uh, glories एंड ऑल auspicious, ऑल benedictions आर there. इसके बारे में प्रभुपाद जी कृष्णा बुक में लिखते हैं जब भगवान ना पूतना के ब्रेस्ट को जब लेते हैं तो वो मर जाती है तो मैया दौड़ती हुई आती हैं भगवान को उठाती हैं और उनको लगता है अरे जी तो हमारा चाइल्ड थोड़ा दूषित हो गया होगा कुछ हो गया होगा तो भगवान क्या करती है शोधा मैया सो so गाय की जो खुर का जो धूल उड़ता है और गौम से और विष्णु नाम भगवान का नाम उच्चारण करना शुरू कर देती है तो प्रभु जी वहां पे लिखते हैं कि जहां भी भगवान का नाम है दूर दूर तक कोई आ, इविल और कोई इनऑस्पेसिक्स कैन नॉच अस्तित्व में रह नहीं रह सकती तो उसी प्रकार जैसे कि चेतन बोलते हैं चेतो दर्पण मार्जनम तो जो भगवान का नाम है पहले हमारे चित्त को सफाई करता है चेतो दर्पण मार्जनम देन भाव महादावाग्नि निर्वापणम हम सभी लोग किसी ना किसी एंग्जाइटी में कहीं कही ना कहीं हमको कुछ ना कुछ ऑल वी हैव सम डिग्री ऑफ सदा समुद्विग्न ध्यान असत गृह पहलाद महाराज बोलते हैं ऑल एवरी वन इज फुल ऑफ एंग्जाइटी सदा ऑलवेज समुद्विग्न मीन्स डू हुए हैं तो जो भगवान का नाम है हमारे हृदय को भी साफ करता है भव महादावाग्नि दावाग्नि का मतलब है एंजाइटीज़ निर्वापणम और क्या होता है फिर उसके बाद क्या होता है शेरा कैरव चंद्र का वितरणम यदि आपने ध्यान से इसका पढ़ा होगा इस शब्द का प्रभुपाद कैरब चंद्रका श्लोक में बताए तो चंद्रका वितरण लाइक चंद्रमा के, के प्रकाश जो आता है कूलिंग होता है वैसे भगवान का जो होली नेम है उससे आपका गुड फॉर्चून का उदय होता है लाइक like, कृष्ण दास कविराज गोस्वामी बताते हैं इसमें 14वें अध्याय में दुष्करम सुखम भवित व्हाट इज द फर्स्ट लाइन कतशन स्मृते यस्मान यदि किसी भी तरीके से यदि आप चैतन्य महाप्रभु को याद कर लेंगे सो व्हेन वी डू एनी वर्क वी हैव टू प्रीसिंसल टू द लॉर्ड तो सास बता रहे कितने से भी कठिन से कठिन काम होगा कथशन स्मृत जस्ट रिवम्बरिंग द लॉट स्मृत दुष्कर्म सुकरम और कितने से कठिन से कठिन काम होगा वो बहुत सरल हो जाता है और विपरीतम शाद और इसके आस्मृत विपरीतम और दूसरा यदि भगवान को हम भूलते हैं तो वट एवर इट्स रिवर्स सरल से सरल काम कठिन से कठिन हो जाता है तो शेरा कैरव चंद्र का वितरणम तो भगवान का जो नाम है जो ग्लोरीस है संकीर्तन वह गुड फॉर्चून करता है एंड विद्या बधु जीवनम क्या मतलब इसका विद्या वधु जीवनम ऑफ ऑल टीचिंग्स एजुकेशन विद्या वधु जीवनम जीवन है मतलब विद्या का जीवन है सोचो जो किंग ऑफ नॉलेज हम बात करते हैं तो दिस द ग्लोरियस जो भगवान का जो संकीर्तन है वो एक जितना भी जो ज्ञान जो सब सबका जो सार है वो तो भगवान का हरी नाम संकीर्तन है अरे तो हमको सब ज्ञान है किंतु हम नाम संकीर्तन भगवान के नाम में ग्लोरिफिकेशन में हमारे नहीं है तो कहीं ना कहीं और जब भगवान का नाम संकीर्तन है वो है आनंदाम बुद्धि क्या है वो आनंद का हम सभी लोग आनंद चाहते हैं, खुशी चाहते हैं हम सब चाहते हैं कोई हमको कोई समस्या ना हो तो so, आनंद दाम बुद्धि आनंद दाम का जो सागर है वो रुका हुआ नहीं है क्या है बरधनम वो बढ़ रहा है इज एक्सपांडिंग और ऐसा नहीं हर दो दिन बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा हो क्या प्रतिपदम एवरी सेकेंड हर क्षण आनंद का सागर बन रहा है पूर्णा मृता स्वादनम सर्वात संपनम परम बेसे श्री कृष्ण संकीर्तनम तो जो भगवान का जो जैसे भगवान का जो प्रिजेंस है वैसे भगवान का होली नेम है और जहाँ भगवान है वहां पे एवरीथिंग इवन इवन गीता में लास्ट में यत्र कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मत मामा सो अगेन द सेम थिंग इज रिपीटेड जहां भगवान है और जहां भगवान के भक्त हैं श्री, अपोलेंस ऑल अपलेंस विल फॉल कम इवन विदाउट डिजायरिंग बिना इच्छा के सब कुछ हमको कितना भी ऐश्वर्य विजयो, विक्ट्री, सबसे पहले हमको विक्ट्री अपने इंद्रियों पे करनी है उपाजी बताते हैं पर हम हीरो होंगे तो बिग हीरो विथ डिबेट करने में अपने स्किल्स में अपने करने में पर सबसे बड़ा विक्ट्री है हमारे इंद्रियों पे संयम करना अपने मन पे संयम करना क्योंकि जो जो भक्त के जो गुण हैं भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज जी लिखते हैं कि एक तो मिथुन होता है सेक्स होता है और एक होता है सटल सेक्स होता है ग्रॉस सेक्स तो सेक्स रन आफ्टर ऑन ग्लोरिफिकेशन हम यदि भक्ति में भी अपना नाम चाह रहे हैं तो सुकर बिस्टा हमारे भक्ति ठाकुर महाराज बोलते हैं इट्स अ किसका सुअर का सुकर बिस्टा प्रभुपाद जी जब सनातन गोस्वामी को सॉरी चेतन महाप्रभु Uh, सनातन गोष्वामी को जब शिक्षा दे रहे थे तो वहां पे एक बताते हैं कि तीन चीजें बताते हैं पूर्ण पूर्णतर एंड पूर्णतमा इवन द स्पिरिचुअल वर्स इज अ कैटेगरी पूर्ण पूर्णतर एंड पूर्णतमा सो बैकुंठाएं पूर्ण है देन मथुराएं पूर्णतर कंप्लीट मोर कंप्लीट और जो धाम है वृंदावन गोलोक वृंदावन है वो पूर्ण तमाम है चेतन महाप्रु क्यों बोलते हैं कि गोपीश का जो सेवा है वो उच्च सर्वोच्च कोटि का है आराध्यो भगवान ब्रिजी सतन्य तद्धाम वृंदावन रम्या काचित उपासना ब्रज वधुस वर्गेण या एक्चुअली हम सेंस में देखें भगवान भागवत गीता में बोलते हैं अहम सर्वश्च पर्वो मत्ता सर्वं प्रवर्तते कोई भी चीज सृष्टि में सोर्स कौन है भगवान जब कभी को बोलते ना कृष्णा इज द रिचेस्ट नो ही इज़ नॉट रिचेस्ट एस समग्र मीन्स सब कुछ जितनी भी रिचेज हैं ऐसा नहीं कृष्णा इज इज मोर रिचर परसेंट बिलोंग्स टू जितनी भी रिचेज हैं इस कृष्णा समग्र समग्रमी सब कुछ ईश्वर से समग्र तो देर इज नथिंग कॉल एनी रिलेटिविटी इन दैट सेंस कृष्ण एवरी रिच बिलोंग्स टू हिम एवरी स्ट्रेंथ बिलोंग्स टू हिम हम हाथ उठा पा रहे हैं दिस स्ट्रेंथ हूज किसकी है भगवान की है इज नॉट माई मम माया ना वॉट इज दोगा बी थिंग्स बिकॉज ऑफ माया अहंकार भी मूल आत्मा कर दम ऑल रिचिस ऑल इंटेलिजेंस तो भाई बुद्धि है थोड़ी सी हमको लगता रही है हमारी बुद्धि हमने कितना अच्छा काम कर दिया कितना अच्छा सेवा कर दिया दिस बुद्धि इज नॉट अवर्स हमारी है ही नहीं सो so, जितने भी जो सिक्स एश्वर जो बताए गए हैं चाहे स्ट्रेंथ हो फेम हो बुद्धि हो रेनाशन हो बहुत जो त्याग है वो इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा सो इज ऑल बिलोंग्स टू कृष्णा हमारी आत्मा भी भगवान की है जो है जो आई आई हैल्सो बिलोंग्स टू कृष्णा इज नॉट आई चलो हम तो हैं तो एटलीस्ट हम कुछ तो जितना है थोड़ा बहुत हम करें अपने आप में यू ऑल्सो बिलोंग्स टू ऑफ कृष्णा एक होता है ना बंधुआ मजू ऐसे कुछ हो, पहले होता था वी आर ऑल कृष्णाज एवर तो जो बैकग्राउंड में मथुरा में और धाम में जो जो दिन का जो डेडिकेशन है लाइक यू गिव यू सिंपल एग्जांपल कोई एक बैंक है प्रभु गिव्स दिस एग्जांपल हम उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं इवन दो तो इज एक अ क्रूड एग्जांपल जो कैशियर है लॉट ऑफ मनी अकाउंट्स तो मनी किसका है बैंक का है, है प्रोपराइटर का है और कोई एस्टेब्लिश कोई ऑर्गेनाइजेशन में मनी किसकी है वो यू में भी काउंटिंग इस बिलोंग्स टू प्रोपराइटर बैंक का है पर उसके लिए उसको थोड़ा सा सैलरी एस्टेब्लिशमेंट दे देता है तो सैलरी में अपना खर्च रहा है बट जितना उसको ऑनेस्टली करना है जितना भी पैसा है वो बैंक का है कैन नॉट टेक फाइव रुपीज इन पॉकेट तो जितना भी स्ट्रेंथ है हमारा जितना हमारी बुद्धि है दिस ऑल बिलोंग्स टू कृष्णा हमारे रेचि सब कुछ है भगवान के हमारे कुछ नहीं प्रभु भाज्य कहीं लिखते हैं जो फिफ्टी परसेंट जो दान देता है वो थोड़ा भक्त अच्छा क्वालिटी का पर एक्चुअली फिफ्टी परसेंट से काम नहीं होगा हंड्रेड परसेंट पांच पैसा भी रख हो तो पांच परसेंट चोर है इन रियलिटी में क्योंकि उसका तो ही नहीं कुछ पांच परसेंट जेब ना तो पांच परसेंट चोर है यत करो सी यजो से तपस्व कौन मदर पड़म अहम सर्व सर्वधर्मा एक सो एवरीथिंग थिंग बिलोंग्स टूस सो प्रभुपाद जी जब बोलते हैं पूर्ण कृष्णा कॉन्सियस का मतलब है नॉट ए सिंगल फैदर जो चाहे हमारी शक्ति का हो हमारी बुद्धि का हो हम अपने लिए उस करें उस शुद्ध चेतना को हम शुद्ध भक्त बोलते हैं तो ऑनस्ट कैशियर होगा जो थोड़ा बहुत सैलरी मिले वो काम होगा तो बैकुंठा में ठीक है भगवान है हम सेवा कर रहे हैं थोड़ा हमको भी खुशी मिल रहा है भगवान को थोड़ा बहुत जो सैलरी मिला कैशियर उसको अपना यूज कर सकता थोड़े के लिए किंतु यदि हम गोपियों के पास जाए तो यदि कोई कैशियर जो उसको जो उसको सैलरी मिल रहा ना वो भी वो बैंक में दे दे, दे है पूरी

डिफरेंस दैट सी ऑल्सो प्रभु पाँची लिखते हैं सी वॉन्ट टू मेंटेन हिस्स पॉजिशन एंड बेकुंठा सी से रात्री लाइक सी इज ए लाइक गॉड इज ऑफन इवन द गोपीज है वो उसको रखना नहीं चाहते सोचो जो उनको थोड़ा मिला वो भी भगवान को दे दिया तो वो जो पूर्ण समर्पण है वो हमारे हृदय में आना है और जब तक हमारे अंदर ना प्रभुपाद जी बोलते हैं एक कोई स्मॉल ट्रेस भी थोड़ा सा भगवान के आनंद के अलावा और कुछ करने की इच्छा रहेगी तब तक हमको अलग शरीर मिलेगा क्यों मिलेगा क्योंकि हमारा जो मेंटल जो हमारा मानसिक स्थिति है वो हमको हमारा शरीर देती है यम यम बापी स्मरण भाव तजतंते कलेवरम थम तो जो मानसिक स्थिति हमारी पूर्ण कृष्ण अमृत कृष्ण कॉन्सियस नहीं है पूर्ण कृष्ण भावित नहीं है कृष्णा भावित का मतलब क्या है इस नॉट कृष्ण के बारे में सोचते रहना वो तो है ही कृष्ण भावित मीन्स भगवान की जो जो इच्छा है जो भगवान का जो जो प्लान है उसके अनुसार हंड्रेड परसेंट काम करना अर्जुन तो लड़ाई कर रहा है। रहे हैं नॉट बी ना रिवरिंग मे बी द फॉर्म ऑफ क्रिश्न वाइल फाइटिंग गुड बी तो भगवान के आदेश अनुसार जब अपनी पूरी शक्ति बुद्धि सबको हम भगवान में लास्ट क्लास में लिख सकते हैं तस्मात सर्वेशु काले हमेशा चौबीस घंटे कुछ साधना तो ठीक है चार पांच घंटे होती है हमको चौबीस घंटे पूर्ण कृष्णाम पर अर्पित मनोबुद्धि मनोबुद्धि पूरे भगवान में समर्पित जब कोई उस स्थिति पे पहुंचता है तब भगवान ऐसे भक्त के लिए पागल हो जाते हैं ना कोई कोई कंपनी में कोई काम कर रहा है जैसे कैशियर कर रहा है उसकी सैलरी मैंने वो कंपनी के मालिक को दे देता है आप ही रख लीजिए आप ही रख लीजिए और खुश हो जाए वो ज्यादा देता वो ज्यादा बोले आप और रख लीजिए तो कंपनी वाला बोलेगा अरे ये कैसा आदमी है इसलिए uh, बोलते हैं इटरनली इंडेटेड हो जाते हैं भगवान वो भी होंगे बोले हम इसको क्या करें तो भगवान सनातनी कर्जदार हो जाते हैं गोपियों के बी सेटिस्फाई व्हाट एवर डिवोशन यू हैव आई कैन नॉट गिव यू एनी थिंग वट एवर आई गिव यू रिटर्न बैक सो This is a verse quoted from Bhakti Rasamra Sindhu in connection with practical devotional service. Generally, people in their conditioned life engage in the pleasure of society, friendship, love. This so-called love is lust, not love. But people are satisfied with such a false understanding of love. Vidyapati, a great and learned poet of Mithila, सो विद्यापति प्रमुपा जी इज अ पोइट जो मिथिला के थे, हैज सेड दैट द प्लेजर ड्राइव फ्रॉम फ्रेंड्स सोसाइटी फैमिली लाइफ इन मटीरियल वर्ल्ड इज लाइक ए ड्रॉप ऑफ वाटर इवन इफ यू थिंक्स बट आवर हार्ट डिजाइर्स प्लेजर लाइक एन ओशन दस द हार्ट दार्टज कंपेयर टू द डिजल्ट ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस तो अभी हमको आपको किसी डिजल्ट एरिया में रेगिस्तान में छोड़िए आपको बहुत प्यास लगी है दो दिन से निर्जिला कर रहे हैं कुछ प्यास पानी नहीं मिला बहुत प्यासे हैं कोई आपको आप बोलते हाथ कर पानी देते हैं वो एक बूंद पानी रख देता है हाथ में वो गायब हो जाएगा मुझे, मुझे रहेगा तो, तो उस पानी से आपको कुछ होगा नहीं कि द हार्ट इज लुकिंग फॉर द

कृष्णा स्वीटली स्माइल फेस माई माइंड एंड आईज ह्लीज दैट माई डिजायर फॉर हिम रीडअबल सो 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 सी कृष्णा टू मीट कृष्णा इज नॉट सो इजी बट वैन बी वर्क फॉर कृष्णा वेन बी एंगेज हम अपने अपने इंद्रिय को मन को बुद्धि को भगवान में पूर्ण समर्पित कर देते हैं सेवा के लिए तब एक्चुअली हम भगवान के दर्शन हमेशा कर सकते हैं प्रभुपाद जी बोलते हैं ना ने कि नेवर ट्राई टू सर्च कृष्णा हियर इन दियर इन द बुशिश ऑफ वृंदावन आप ऐसा सेवा करिए कि भगवान आपको ढूंढते हुए आ जाए हमारा भक्त कहाँ है सो so, जो भक्त होते हैं उनको कोई आ, Like, Gopina, want to हमको दुख हो रहा है हमको सुख हो रहा है हमारा हमारा अपमान हो रहा है, हो रहा है हमारे कार्य से भगवान को यदि खुश मिला है तो वो हमारा ट्रेजर है सो so, <coughs> रूपनाथ जी एक बार पार्ट में लिखते हैं सो प्यूरिफिकेशन मींस गेटिंग फ्री ग्रेजुअली फ्रॉम सेक्स डिजायर सो प्यूरिफिकेशन मींस गेटिंग फ्री ग्रेजुअली फ्रॉम सेक्स डिजायर एंड सटल सेक्स आर आल्सो नेम फेम ग्लोरीज दिस इज अटेंड बाय मेडिटेशन ऑन द पर्सन ऑन द लॉर्ड एज डिस्क्राइब हियर बिगिनिंग फ्रॉम हिज लोटस फीट वन ग्रेजुअली one should not try to go up a artificially without seeing for himself how much he has been released from sex desire so prabhu paaji bole hain ki yadi we have to completely focus on the lotus feet not simply jump suddenly up and then prabhu says na unless you are free from sex desire The smiling face of the Lord is a tenth contour of Srimad Bhagavatam. So generally, we read for the tenth contour means, is Prabhupada, warms us, cautious us, can go, likely not to jump. So, we have to, when we see the deity, we have to completely focus on the lotus feet. And by focusing on the lotus feet, gradually our material desire, especially the sex desire, will vanish. Then we can proceed further. So, smiling face of Krishna, of the Lord, is the tenth Kandu Shrimad Bhagavatam. There are many upstart who at once try to begin with the tenth control especially with the five chapter, which delineates the Rasa dance of the Lord. So, this is certainly improper. Such improper study of Shrimad Bhagavatam. So, the visualization of Bhagavatam is rendered. So, so like further it is said that. सो वी हैव टू प्यूरिफाई अवर डिजायर अवर कॉन्सियसनेस एंड विथ दैट प्योर कॉन्सियसनेस कृष्णा एक्सेप्ट पत्रम पुष्पम फलम तोयम भगवान बता रहे हैं आप जो भी सेवा करिए छोटी मोटी आप शुद्ध हृदय से करिए शुद्ध हृदय से कैसे होगी सेवा करते 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 हम शुद्ध हो गए जैसे नाम जब बोलते ना अपराध हो रहा है अच्छा शुद्ध नाम कब आएगा नाम लेते लेते जितना ज्यादा नाम लेंगे भक्ति ठाकुर बोलते हैं ग्रेजुअली भी प्योरीफाई हमारे जो अपराध कम हो गए तो एटलीस्ट हमको अपने को देखते रहना है कि हमारा हम चेतना हम क्या चाह रहे हैं यदि हम शुद्ध भक्ति नहीं चाहेंगे तो कभी भी नहीं आएगी व्हाट वी नो वाट बी वॉन्टिंग चीप एडोरेशन हम चाह रहे हैं कुछ और थोड़ा बहुत चीज चाह रहे हैं तो कृष्ण तो की भी वो तो सबके इच्छाओं की पूर्ति करते so, जो हमारा जो उस परंपरा है जो प्रभुपाद जी चेतन महाप्रभु जी हमको मिल रहा है गोलोक धाम लेके धाम में भी हमको जो गोपियों की जो सेवा है जो मूड है उस मूड को रिवील कर रहे हैं हाँ तो लोगों को पता ही नहीं कि हमारा मूल क्या होना चाहिए भक्ति का प्रभु पान जी हमको बियॉन्ड उसके जो उसके ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता जब रामानंद राय और चेतन मंगचर चौधरी उसके ऊपर यदि आपको पता है तो बताइए इवन इन धाम में भी ना uh, ग्रेडर है but वी आर रेडी डाउन बट स्टिल बी सुड नो वॉट इज द हाइएस्ट एंड बी वी हमको अपने हृदय में इच्छा रखनी है कि कभी हो वे दिन हमारे कब वो ऐसा दिन आएगा जहाँ हमारा हमारा कोई भी जो हमारे क्रिया है मूवमेंट है से भगवान की खुशी के लिए रहेगा हमारा अपना उस स्टेज में हम आनंदाम बुद्धि भराम वी केन मर्ज इन दोशन ऑफ भगवान हमको पोषण ऑफ प्लेजर जो 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 दिव्य आनंद भौतिक आनंद की बात नहीं हो रही है दिव्य आनंद की जो अनुभूति है हम उसको कर सकते तो यहाँ पे हम देखे भगवान कितने कंसर्न है भक्तों के लिए ही खुद आए और उन्होंने दोनों भक्तों पे गुस्सा नहीं हुए वो सो कृष्णा भगवान का एक ही काम है अपने भक्तों को कैसे उनको सही करके अपने धाम को ले जाना सो विल बी सी फर्दर हाउट डिस्कशन में प्रोसीड इन अगले वर्ष थैंक यू स्टॉप है गणतराष्ट्रीय मध्य भाग्यम की जग जगत गुरु